क्या क्या रूबी लेते रहती है ये देखिए, ये क्या टॉवल जैसे है ना, वहाँ पर लिए थे हम लोग ना। अब जाके इनका शॉपिंग हुआ फाइनल, बाबू के लिए जो भी सुनना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, पूजा जो किए थे एक एक सारा हटा देते क्योंकि बाबू लोग को पैर से लग जाएगा ना तो वो लांघन पड़ता है। और अभी कुछ कुछ फल वगैरह जा रहे हैं हम खा लेते हैं। और गाइस, बहुत अच्छा चीज आने वाला है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो कल बाबू का है जन्मदिन, तो आप सब मेरी बेबी के लिए माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद मांगिएगा और मेरी बेबी को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। तो उसके लिए कुछ खरीदारी भी करने जाना है, जो कि बहुत सोच रहे थे बीच बीच में। कुछ दिन से पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं था और देख भी रहे थे कि घर में ज़्यादा बिजी होता, साफ़ सफाई लेकर बहुत परेशान थे। तभी तो माता रानी को भी यहीं पर वो छोड़ देंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी जब तक ये मतलब हटेगा नहीं। वैसे भी पता नहीं, बहुत सारे लोग ना आज ही कर दे रहे हैं ना, अभी हवन वगैरह कर दे रहे हैं, तो विसर्जन तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरे घर पे भगवान जी को रखे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो जल रहा अखंड ज्योत, जो कि आज भर जलेगा, और अभी सब जा रहे सारा हटा देते हैं। तो पता नहीं डोंग पापा क्या प्लान किए हैं, हमारा तो प्लान बहुत अच्छा है, सिंपल सा ही है। आप सभी जानते हैं कि हर साल हम सब क्या करते हैं ना, हमारी एनिवर्सरी हो चाहे बेबी का बर्थडे हो, और हर साल ना डोंग का बर्थडे हमेशा मायके में ही मना है। लेकिन इस बार हम लोग मायके नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बार बार मायके भी अच्छा नहीं लगता है। अभी दीदी वहाँ पे गए हैं घर पे तो अच्छा लग रहा है, भाभी भी आगे होंगी तो आप सब बाकी ब्लॉग में तो मिले जाएगा देखने के लिए। तो बहुत मिस कर रहे हैं अपने मायके वालों को। और ससुराल की रही बात, तो देखते हैं क्या प्लान होता है क्योंकि बहुत कुछ सोचा गया है। पर एक चीज थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा आप सब कि हमारी छोटी ननद जी जो है वो यहाँ पे नहीं है, जिसके चलते हम लोग ग्रैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट हम लोग घर में ये पूजा वगैरह सुन लेंगे, बाकी आप सब ब्लॉग में देखिएगा। चलते हैं, पहले नहीं लाए नाइन पानी लाने के लिए, ला के रखा पहले खसी बेबी के लिए, बाबू के लिए खसी, बाबू के लिए ओला भी तो मांगता है पीने के लिए, तो इसी से हो जाएगा ना। आजकल मेरा डुगू और चीकू ये नारियल पानी पीने में एक्सपर्ट हो गया गाइस, अच्छा लग रहा है ना कि बेबी लोग खाने पीने लगते हैं तो। और हाँ, आप सबने बताया नहीं कि ये मेरा सूट कैसा लग रहा है, थोड़ा ढीला ढीला है, मैं चपवा लूंगी, इतना पतले है ही तो क्या करेंगे। और पूजा में पहनने के लिए मेरे हस्बैंड जी ले नहीं दिए थे, कल क्या होगा, वैसे भी कल बाबू का बर्थडे है तो कुछ तो अच्छा होगा ही, हस्बैंड जी का अच्छा ही प्लान किया होगा। तैयार हो गए रूबी, इधर लाइट उट बंद करना, बंद नहीं करना है, आज बारना है ना। हाँ, बैग भी हमारा तैयार है। हाँ, वो लिया जा रहा है, चलिए ना आप। ठीक, चलो बाहर बाहर बाहर। मॉल आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे थे साड़ी, जो कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही हाई रेंज का था, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बट रेंज देख के ना मैंने इसको इग्नोर किया। वैसे मेरे पास साड़ी है बट मैंने, मुझे लगा था कि शायद कल का पूजा के लिए अच्छा रहेगा कि मैं एक्स्ट्रा अलग से खरीद लूँगी, क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा सा महंगा पहनने का भी मूड करता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये प्राइस लेवल भी बहुत ज़्यादा था गाइज, और क्वालिटी बिल्कुल भी ढंग का नहीं था। तो फिर जब मैंने उनसे वहाँ पे गई और वहाँ से उनसे पूछा कि कैसा है, तो बोले कि बहुत महंगा सब 2500-3000 का साड़ी था। तो फिर मैंने उसको अलग कर लिया। फिर ये वाली कुर्ती मुझे अच्छी लग रही थी बट ये बोले कि नहीं लग रहा है ना, जैसे कि नहीं बाबा लोग पहन के घूमते वैसा है, तो फिर मैं इसको भी साइड कर ली। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे सेकेंड फ्लोर पर, यहाँ पे मैं कुछ ब्रश वगैरह देखती बाबू के लिए। बट ब्रश भी मुझे लगा कि बाबू के साइज़ का नहीं था, बड़ा बड़ा था और महंगा भी था, प्लस में ये जो क्लॉथ जो दिख रहा है आपको ना, ये सब खेलने वाला है, हमको लगा कि रियल का है, तो इसीलिए मैं इसको लेने की कोशिश कर रही थी। हस्बैंड जी कहते हैं सेकेंड फ्लोर पर आओ, यहाँ पर आकर देखो ना, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर मैं यहाँ पर टच करके देख रही थी, सच में वाकई में एक खिलौना था। उसके बाद सोची बेबी के लिए ना कल पहनाने के लिए बर्थडे में थोड़ा काम आ जाएगा, तो बाबू के लिए हाईनेक वाला देखते हैं कि ठंड की मौसम भी आ रही है तो उसके लिए देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सारा बड़ा पूरा कपड़ा इधर से उधर किया हुआ था गाइज, और मुझे एक दो पैंट अच्छा लगा, डुगू देख कितना मस्ती से बैठा हुआ है, और ये पैंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसका पीछे का ना वाइट है, तो हस्बैंड जी ने साफ साफ मना कर दिया और वो बोले कि नहीं ये बिल्कुल नहीं लेना है, हल्का सा भी दाग लगने के बाद ना गजब सा गंदा दिखने लगता है। फिर मैं यहाँ पे एक एक करके सारे क्लॉथ को चेक कर रही थी, पर अगर बाबू का साइज़ का मिल भी रहा था तो उसका हाथ पूरा बड़ा साइज़ का मिल रहा था, फिर चू साइज़ का नहीं मिल पा रहा था, फिर मुझे ये देखा तो हाफ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इधर देखने के लिए, मैं कुछ फ्रॉक वगैरह देख रही हूँ, आप सब इग्नोर कीजिएगा, आप सब कुछ कुछ सोच रही होंगे मैं क्यों देख रही हूँ ये सब चीज़।
बट कभी ब्लॉग में शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे देख के बस पसंद करती थी। ये वाला फ्रॉक फाइनली मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, फिर हमने इसे खरीद लिया था। और यहाँ पर जो कुछ खाने के लिए चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है, नीचे जाएंगे तो दूध को ले देंगे। नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक नहीं रोना है, ले देंगे। चलो ठीक है। क्या क्या रूबी लेती रहती है ये देखिए, ये क्या टॉवल जैसा है ना। अच्छा बैठ के पूजा कर लो ना। कलर खाली अलग हो, दूसरा कलर ले लो खाली। नहीं कलर है ढेर सारा नीचे, देखो नीचे ढेर सारा कलर है। हाँ ये वो निकालो तो। हाँ बोला। हाँ ठीक है, मेरा कहना है ना नीचे बैठे गंदा होता है तो थोड़ा डार्क कलर ही अच्छा रहेगा ना, लाइट कलर अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहे थे। और लाइट कलर है, देखो तो एक बार निकाल के देख लो, नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं, रख देगा जी। वचन है निकाल दे, रूबी से निकलेगा भी नहीं। अब टावर में बात आ गया तो निकालना ही है। देखो सिर्फ ब्लैक थोड़ी है, लेकिन वो देखने में अच्छा लग रहा है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। बाबू लोग को ले देख रहे थे हम तो, जो कि एकदम मस्त मस्त कपड़ा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सॉफ्टनेस एकदम हो, कुछ कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाबू लोग को ना पसंद का यहाँ पर मिल रहा है अभी, और वहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा था। डुगू देखिए अपना पकड़ लिया है। हाँ हाँ पहना देंगे बाबू, पहना देंगे ना, अलग लेंगे ना। कलर मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना डुगू। हाँ अच्छा, लगभग हमारी जो है खरीदारी हो चुकी है और थोड़ा हमारा रूम पसंद किया जा रहा है। शायद बेबी लोगों को कोई पसंद आ जाए कपड़ा, नहीं पसंद आ रहा है। बड़ा हो जाएगा, ढेर बड़ा हो जाएगा, ये हम लोग तो 5-6 साल बच्चा को ऊपर का होगा। वहां पर लिए थे हम लोग ना, अब जाके इनका शॉपिंग हुआ फाइनल, एक एक करके इसको तो कहना ही नहीं है ना। दुकान बढ़ा दी तो भैया फिर भी हम दुकान खुलवा के ले रहे हैं। खाली जगह सामान ले लीजिएगा, लाउंज में जाके राशन लेना है सामान लाइए, ठीक है। और घर में हो तो दोस्तों हम लोगों ने ढेर सारा सामान जो है खरीद लिया है। तो ये देखिए हम लोग बाबू लोग के शॉपिंग करने के बाद चले गए थे पूजा दुकान में, जहाँ से हमें पूजा के भी कुछ सामग्री लेने थे। और रूबी सब एक एक करके सैयारे जा रहे हैं, डाल दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये सब पूजा का सामान जितना है ना इसी में आके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अपनी पूजा वाला सामान रख देते हैं, तो ये डाल दे रहे हैं। और जो घर में जो सामान था उसको भी रख लेंगे, कल मैंने पंडित जी को कुछ भी जोर से और वो ले लेंगे आराम से। ये हमारा हो गया, और ये रहा पूरा सामान जो कि बाबू के लिए जो भी सुनना है ना, सत्यनारायण कथा सुन बाबू के लिए फर्स्ट टाइम है। डेबू के टाइम में सब तो अकल हम लोग उतना नहीं था, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट अब धीरे धीरे अकल हो रहा है और माता रानी की कृपा से और सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो बस ये प्रसाद में ले रहे हैं, सब रख देते हैं किनारे। सबसे मैंने कि हमारे चीकू का पहला जन्मदिन है तो हम मिस कैसे कर सकते हैं। सब लोग अपने तरीके से मनाते हैं, हम अपने तरीके से मनाते हैं। अब बस ब्लॉग में देखते रहिएगा कौन कौन आने वाले हैं, मायके से कौन आ रहा है, ससुराल से कौन आ रहा है, बाकी तो आप लोग ब्लॉग में मिलेगा ही देखने के लिए। बट इस बार खास है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है, चलिए आगे बताएंगे आपको हम। और ये रहा बेटा, ऐसे बैठिए ऐसे बैठिए ऐसे। हाँ और इसमें रहा 5 प्रकार का फल जो कि निकाल देते हैं, तो इसी में थोड़े हैं सब अलग अलग ना है, एक पे थोड़े सब रखा हुआ है। थोड़ा सा ये देख के अच्छा लीजिएगा, कचरा गया थे ना उसमें, सब था टोटल पका हुआ था। ये लोग कचरा नहीं रखता है ना, अलग कर दो ना, कोई बात नहीं। चलो ऊपर रख दे, थैला में लग गया होगा इसीलिए ऐसा हो गया। इसको ना
आप खुट्टी में ताने देंगे। चूहा भी गाइस इतना परेशान कर रहा है ना कि क्या बताएं आप सबको हम। तो चलिए ये तो रहा हमारा पूजा का सामान जो कि ये झोला था। अब देखते हैं बेबी के लिए कपड़े, क्योंकि भाई ऑर्डर मिला है लेने के लिए हमारे जी की तरफ से कि एक चीज ले दो मेरे तरफ से कि बाबू का सेंड है। बैठे बेटा यहाँ बैठे, यहाँ भी बैठ जाइए। तो बेबी के लिए देखिए हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है और खरीदे हैं कुछ ऐसे जोरी चीज थे। पंडित जी आते हैं तो फिर उनको देना पड़ता है बेड। अब मस्त पंडित जी बैठ जाएंगे, पूजा करा लेंगे। पंडित जी के लिए नहीं, बाबू के लिए बाद में काम आ जाएगा मान लीजिए, है ना। या फिर हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो आसन ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा भी है तो मुझे लगा ये लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा। बस आप सब बताइएगा। मुझे तो वैसे ही पता ही है कि मुझे बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, आप सबके कमेंट का इंतजार भी रहेगा। मॉल से ना हम लोग भागे दौड़े आए तो ऐसे ही बस पड़ा हुआ है जैसे निकाले थे। डुबू के ले दिए थे बाबू को कल पहनाएंगे, ऐसे था बाबू के पास, लेकिन ये को लेते हैं जब जियो खड़ा किसका भी खरीदा जाएगा। समय के अभाव कारण बहुत तरह के दिक्कत सहना पड़ा। अनीरा हमारा चीकू का जो कि कल ये पहनाने वाले बाबू को, विंटर सीजन आ रहा है उसको देखते हुए हम लोग लिए हैं। मानना पड़ेगा दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है ही। अगर दोनों का हमने लेना तो पचेले ये उड़ने लगता है। वो खुद वहाँ पसंद कर रहा था। और ये रहा नीचे का पैजामा बाबू के लिए, चीकू के लिए, कभी बाहर आते हैं ना तब ठंड का मौसम आ रहा है उसके लिए। और ये देखिए खरीद दिया डबू के लिए, इंदर कहीं जाते हैं तो इसको ऐसी बस इसको अच्छा लगेगा ये पहनने का। तो खाने एक बार यहाँ पे है, फूल भी है, इसको हम लोग पहना के स्कूल भेज सकते हैं ऊपर से स्कूल ड्रेस डाल के। बस 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 हो गया। और चीकू देखिए अपने हाथ यहाँ लिया, जान रहा मेरे लिया है, क्यों निकाल दो। जान गया। अरे डुगू भी आ गया। और बाकी का कुछ राशन का सामान जो थे, चना और मूंग सारा खत्म हो गया था। तेल भी नहीं था क्योंकि कल मान जी की पंडित जी लोग खिलाना हो, चाहे हवन वगैरह करना हो तो फूल भी छानना पड़ेगा ना। और ये तेल भी खत्म हो गया था। तो बस ये रहा हमारा सामान जो कि आप सबके सामने है। तो बताइएगा जो भी बन पाया भाई। देखिए हैं बहुत छोटे, मतलब क्या बोले, जितना हो सके धूम धड़ाका तो नहीं कर पाएंगे। बस माता रानी से यही विनती करते हैं कि एक बार हम नॉर्मल कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा करें, ये घर अच्छा हो जाए और इसमें रहने वाले लोग और अच्छे हो जाए। तो बस यही प्रार्थना है। और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी बेबी को, बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, ये सब ब्लेसिंग में काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके मन में होगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सबके कमेंट का इंतजार भी रहता है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं फिर एक ऐसी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।